बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ माश की दाल की बहुत आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आप 2 खाना पकाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल लें, 1 मीडियम प्याज बारीक काट लीजिए, लहसुन अदरक पेस्ट है 1.5 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और गर्म मसाला 1 टीस्पून, हरी मिर्च 2 अदद बारीक काट लीजिए। माश की दाल 1 कप के बराबर है, उसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दें। अब एक पैन के अंदर आप ऑयल डालें और प्याज डालकर आप प्याज को गोल्डन डार्क ब्राउन करेंगे। प्याज हो चुकी है, लहसुन अदरक का पेस्ट डालें और अच्छी तरह से इसको मिला लें। थोड़ा सा पानी डालें साथ, सबको मिलाएं। सारे मसाले जो हैं आप एक साथ डालें और सब मसालों को आप 10 से 15 सेकंड तक अच्छी तरह से पानी डाले बगैर मिलाएं ताकि दाल के अंदर इनकी अच्छी खुशबू आ जाए। इस तरह से पानी डालें, अच्छी तरह से आप इसका मसाला भूनें। इसमें दही या टमाटर वगैरह बिल्कुल नहीं पड़ते और ये मैं प्रेशर कुकर के बगैर आपको पकाने बता रही हूँ। मसाला अच्छी तरह से भून लीजिए। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, अब आप इसमें माश की दाल जो मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगोई थी वो डाल दी है आपने। कुछ लोग दाल को अलग से बॉईल करते हैं, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल भुनी हुई माश की दाल बना सकते हैं बगैर प्रेशर कुकर के। मसाले को अच्छी तरह से आप मिलाएं, अच्छी तरह से आपने दाल और मसाले को मिला लेना है। इस तरह से अब आप इसमें पानी डालें। पानी डालने के बाद आप फाइनली आखिरी दफा चम्मच को चला लें, क्योंकि इसके बाद चम्मच नहीं चलाना। पानी डालने के बाद मैंने चम्मच नहीं चलाया तो इसके अंदर ये सारे छोटे छोटे से आप बबल्स देख सकते हैं। ये इस वजह से है कि पानी के बाद मैंने चम्मच नहीं चलाया। मैं बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ। पानी खुशक होने के बाद वो सारे जो बबल्स थे वो इस शक्ल में आ जाते हैं। छोटे छोटे से आप देख सकते हैं सुराख है जिनसे भाप निकल रही है, जिससे दाल गलती है। दाल पक चुकी है, मैंने इसके ऊपर अब वो हरी मिर्च डाली है। चम्मच मैंने अभी भी नहीं चलाया है और मेरे जो छोटे छोटे सुराख हैं वो अभी तक उस जगह पे ही हैं। अब मैं चम्मच चलाऊंगी। ऐसे ही दालों में हरगिज चम्मच, अगर आपने भुनी बनानी है आपने चम्मच नहीं चलाना है। अब आप उसको एक प्याले में निकाल लीजिए, हरी मिर्च डालिए, धनिया डालिए, जो आपको पसंद है। माश की दाल आपकी तैयार है।